चाहे कोई माने या माने, लेकिन सभी जानते हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ कभी साथ थे। हालांकि आज भी दोनों में अच्छी दोस्ती है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं। लगभग 5 सालों के बाद दोनों फिल्म टाइगर जिंदा है के साथ एक बार फिर वापस आ रहे हैं। इस पर निर्देशक अली अब्बास ग्रफर का कहना है कि सलमान और कैटरीना साथ में गजब से खूबसूरत दिखते हैं। उनकी केमिस्ट्री में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हैं। काश दोनों फिर से साथ हो जाते, तुरंत उन्होंने संभलते हुए कहा। रहने दें, मुझे कुछ भी बोलने की आदत है, अली अब्बास ग्रफर ने आगे कहा। सच कहूं तो सलमान खान से किसी को भी प्यार हो जाए, जब वह अपनी आंखें उठाकर देखते हैं आपको उनसे प्यार हो जाता है। सुल्तान में अनुष्का के साथ हो या टाइगर में कैटरीना के साथ, सलमान की केमिस्ट्री जबरदस्त होती है, रियल रोमांटिक हीरो अली अब्बास ग्रफर ने कहा। लोग सलमान खान को एक्शन हीरो कहते हैं, लेकिन वह रियल रोमांटिक हीरो हैं। भारतीय प्रेमी हैं वे, एकदम भारतीय प्रेमी की तरह हैं। वह जिस तरह रोमांस और इमोशंस दिखाते हैं वह काफी प्यारा लगता है, उसमें किसी तरह की अभद्रता नहीं होती, इसीलिए हर एक ट्रेस के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त होती है। फैमिली फिल्म है टाइगर में सलमान खान के कदम पर चल रहा हूँ, यह पूरी तरह हिंदुस्तानी फिल्म है, एकदम फैमिली फिल्म। टाइगर जिंदा है ऐसी फिल्म है जिसे किसी भी उम्र के लोग देख सकते हैं। कोई इंटेंस सीन, कोई किसिंग सीन नहीं है, ना सलमान ने ऐसा कभी किया है, ना मैं उनसे करवाने की हिम्मत रखता हूँ। टाइगर सिर्फ सलमान है, अली ने साफ साफ कहा कि टाइगर नाम को सलमान खान से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता, और मैं सलमान खान के स्टारडम को सेलिब्रेट करता हूँ। मुझे पता है कि फैंस उन्हें कैसे पसंद करते हैं, बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है। निर्देशक ने साफ साफ कहा कि इस फिल्म को लेकर काफी बॉक्स ऑफिस प्रेशर है। पहला कारण तो यह कि ये सुपरहिट फिल्म की सीक्वल है, और दूसरा कि सलमान के साथ मैं पहले सुल्तान जैसी फिल्म दे चुका हूँ। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं अली अब्बास ग्रफर ने कहा कि सलमान खान ने टाइगर जिंदा है के लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीतोड़ मेहनत मेरे लिए प्रेरणादायक है। वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, फिर भी उन्होंने फिल्म के लिए खुद की क्षमता से ज्यादा मेहनत की है।